लोक संस्कृति में शक्ति की आराधना। शक्ति एक है किंतु उसकी अभिव्यक्ति अनेक है। शक्ति रूपिणी माँ दुर्गा के रूप अनंत हैं, इसलिए उन्हें अनंत रूपिणी कहते हैं। उनकी लीला अनंत है, उनकी कृपा भी अनंत है। एक ही शक्ति विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होकर विभिन्न प्रकार से लोक मंगल करती हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि भक्तों की आवश्यकता अनुसार उन्हें त्राण करने हेतु उस परम शक्ति ने विभिन्न रूप धारण किए। यह शक्ति शास्त्रों में 10 महाविद्या, महामाया, नवदुर्गा आदि नामों से प्रतीत हुई। भारतीय संस्कृति में देवी के रूप में शक्ति की आराधना सर्वविदित है। जन्ममानस से शक्ति की आराधना दुर्गा, काली, उमा, गौरी, चंडी, मनसा के रूप में प्रथित है। माँ दुर्गा की आराधना भी 10 महाविद्या के रूप में की जाती है। भक्तों के कल्याणार्थ इसी दुर्गा शक्ति ने महाकाली का रूप धारण कर असुर संहार कर अपने भक्तों की रक्षा की। किंतु जब हम लोक संस्कृति से संपृक्त होते हैं, तब हमें शक्ति आराधना के अन्य विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। विभिन्न देश काल में विभिन्न नामों और रूपों में देवी की अर्चना के दृष्टांत मिलते हैं। नवरात्रि में देवी के गीत में दुर्गा, गौरी, उमा, पार्वती के नामों का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। असम में कामाख्या देवी, बिहार में पटन देवी, थावे सिंहासनी काली माई आदि, झारखंड में रांची में छिन्नमस्ता देवी, उत्तर प्रदेश में काशी का दुर्गा मंदिर, विंध्याचल की देवी, देवरिया की कुलकुला देवी, कोलकाता में कालीघाट की काली माई, दक्षिणेश्वर की काली माँ, तारापीठ, मध्य प्रदेश में मैहर माता, महाराष्ट्र में चंद्रपुर में महाकाली, गुजरात में पवागढ़ में कालिका माता, राजस्थान में करणी देवी, जम्मू की वैष्णवी देवी, कश्मीर की क्षीर भवानी आदि स्थान हैं जहाँ माँ ने अपनी शक्ति अभिव्यक्त की है। इसके अतिरिक्त माँ विभिन्न नामों से स्वयं महिमा प्रकट कर भक्तों की आस्था की केंद्र बनी। उत्तराखंड में माँ के भिन्न नामों से प्राकट्य का विवरण मिलता है। पवनेश ठकुराठी जी अपने निबंध उत्तराखंड में शैव, वैष्णव और शाक्त देवी देवताओं की पूजन परंपरा में लिखते हैं, शक्ति या देवताओं की उपासना करने वाले शाक्त कहे जाते हैं। उत्तराखंड में प्राचीन काल से ही शाक्त उपासना के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ प्राकृतिक शिला, काष्ठ स्तंभ, प्रतिमा और यंत्र रूप में शक्ति के विविध रूपों की पूजा की जाती है। काली मठ, बूढ़ा भरसार, पुलका देवी और पाषाण देवी में शक्ति के शिला के रूपों में सिमली, चांदपुर, अल्मोड़ा, नैनीताल में नंदा सुनंदा के स्तंभ रूप में देवलगढ़, नौटी, हाटकाली, बुग्याली, घोल में श्रीयंत्र रूप में तथा दुर्गा, पार्वती, चंडिका, वाराही, महिषमर्दिनी, उमा, गौरी आदि की प्रतिमा रूप में संपूर्ण उत्तराखंड में पूजा प्रचलित है। यहाँ देवी की प्रतिमाओं में दुर्गा का सिंह वाहिनी स्वरूप, महिषासुर मर्दिनी, बैजनाथ की प्रतिमा व जागेश्वर की चामुंडा प्रतिमाएं प्रमुख हैं। शाक्त संप्रदाय के पौराणिक देवी रूपों के अतिरिक्त उत्तराखंड में कई स्थानीय देवियों की भी शक्ति रूप में पूजा होती है। कहीं इनके मंदिर हैं, कहीं केवल पाषाण खंड या स्थान स्थापित हैं। शक्ति के इन स्थानीय रूपों में चंपा, झूमा, हिंगला, कोटनी, हिडिम्बा, झालीमाल, मल्लिका, कोकिला, कोटगाड़ी, उल्का, गढ़ देवी, रणचूला, जाखन देवी, नैथाड़ा, शीतला, स्याही देवी, वानरी देवी, रेणुका, राजराजेश्वरी, सुरकंडा आदि देवियां प्रमुख हैं। इस प्रकार उत्तराखंड में शक्ति के पार्वती, गिरजा, हाटकाटी, कोट भ्रमारी, राजराजेश्वरी, ज्वाला, कामाख्या, जयंती, अंबिका, दुर्गा, उमा, गौरी, महाकाली, उल्का, चंडी, मनसा, नंदा, त्रिपुर सुंदरी, धारी, सुरकुंडा आदि विभिन्न रूपों के सैकड़ों मंदिरों का होना इस बात को सिद्ध करता है कि
कि यहाँ प्राचीन काल से आज भी शक्ति की उपासना लोगों के धार्मिक जीवन का आधार है। केवल एक राज्य का इतना विस्तृत विवरण है। ऐसे सभी राज्यों में और अन्य देशों में शक्ति की विभिन्न रूपों में उपासना होती है। उन सब का उल्लेख यहाँ असंभव है। जहाँ एक ओर प्रबुद्ध जन, शिक्षित विद्वान और पंडित वृंद माँ की अर्चना शास्त्रीय ढंग से वेद मंत्रों के पाठ द्वारा करते हैं, विभिन्न स्रोतों और मुद्राओं से करते हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण माताएं अपनी शुद्ध भावनाओं से अपने घर में बनाए आटे, घी और गुड़ की रोटियां बनाकर लोक भाषा में दुर्गा माँ की महिमा कृपा विषयक लोकगीतों को गाते हुए माँ की पूजा आराधना करती हैं। बड़ी विलक्षण बात यह है कि उन्हें अपने इसी श्रद्धामयी पूजा से जीवन में माँ की कृपा की अनुभूति होती है। इस पूजा से वे अपने जीवन में, परिवार, पड़ोस, परिजन में शांति का अनुभव करती हैं। शारदीय नवरात्र में गांव की माताएं अपने अपने घरों से गेहूं के आटे, घी, गुड़ की रोटी बनाकर दुर्गा मंदिर में चढ़ाने के लिए जब ये गीत गाते हुए जाती हैं तो यह श्रद्धा भावना देखते बनती है। नी मियाँ के डाढ़ी मैया झूले ली ही डोलवा से झूली झूली ना, मैया गावे ली गीतिया से झूली झूली ना, झूलत झूलत मैया के लगली पिया सिया से चली री भैली ना, मलहोरिया दुअरिया मैया चली रे भैली ना। अनंत रूपिणी माँ की अनंत कृपा। अनंत रूपिणी माँ की कृपा भी अनंत रूपों में भक्तों के जीवन में हुई। पूरा काल में माँ ने दुर्गा काली का रूप धारण कर सुरों की असुरों से रक्षा की, लेकिन साधारण मानव के जीवन में माँ ने सामान्य मानवीय रूप धारण कर उनकी सहायता की। राम प्रसाद के साथ देवी स्वयं उनकी कन्या बनकर उनके साथ टाट बीनती थी। प्रेम के वशीभूत हो माँ अपने आराधकों के साथ खेलती थी। श्री माँ शारदा जब छोटी थी तब उनके साथ अष्ट सखियाँ स्नान करने जाती थीं। कितने भक्तों को माँ ने उनके घोर संकटों में विभिन्न रूपों में आकर त्राण किया, रोग के दारुण कष्ट से मुक्त किया, इसके असंख्य दृष्टांत हैं। आर्त दर्शनार्थी को समस्त लौकिक नियमों को तोड़कर माँ ने दर्शन दिया। अनेक घटनाओं में एक घटना संक्षिप्तः उल्लेखनीय है जो कल्याण मासिक में प्रकाशित है। एक माताजी को महाराष्ट्र के चंद्रपुर स्थित महाकाली के दर्शन की तीव्र इच्छा हुई। विषम परिस्थिति में उन्हें ट्रेन मिल गई। उनके साथ उनका नौकर था। आते समय उन्हें वहां रहने की व्यवस्था के लिए किसी संबंधी ने एक पत्र लिख दिया। उन्होंने वह पत्र तो लिया लेकिन ट्रेन में बैठते ही फाड़कर फेंक दिया, क्योंकि वे माँ काली को अपना पीहर मानती थी। बेटी अपनी माँ के पास रुकेगी, अनत्य क्यों, ऐसी भावना थी। वे रात के 3 बजे चंद्रपुर पहुँची और तांगे से सीधे महाकाली मंदिर पहुँच गई। चैत्र का महीना था, बहुत भीड़ थी, मंदिर बंद था। पुजारी को पुकारी लेकिन कोई नहीं सुना, सब लोग सो रहे थे। वे थक कर एक शिला से टेक कर बैठ गई, इस संकल्प के साथ कि देवी के दर्शन किए बिना नहीं सोऊंगी। पता नहीं कब उन्हें झपकी लग गई तो क्या देखती हैं, उन्हीं के शब्दों में, मंदिर की विपरीत दिशा से भगवती महामाया काली नील वर्णा, केश छिटकाए, मुंड माला पहने, चतुर्भुजी हाथ में अग्नि से भरा हुआ लाल लाल खप्पर लिए, जिसमें से विकराल ज्वाला उठ रही थी, मेरी ओर आ रही है। मैं उठी और ज्यों ही चरण पकड़ने दौड़ी त्यों ही वे कहने लगी, है यह तो स्वप्न है, तुम जाकर जागृत अवस्था में ठीक इसी प्रकार मेरे दर्शन करो। मेरी नींद खुल गई, मैं भवानी भवानी चिल्लाती हुई दौड़ने लगी। नौकर भी जाकर मुझे पुकारता हुआ मेरे पीछे भागा। मैं ज्यों ज्यों आगे सरकती थी स्वप्न की वह मूर्ति भी मेरे सामने आगे की ओर बढ़ती जाती थी और मुस्कुराती जाती थी। मैं उनके चरण पकड़ने को व्याकुल हो रही थी। मैं पागल की भांति कह रही थी, देवी मुझे डर लग रहा है, मुझ पर दया करो और अपने सौम्य रूप का दर्शन कराओ। उसके बाद पुजारी को स्वप्न में माँ ने अपने भक्त को दर्शन कराने का निर्देश दिया। पुजारी उठकर दौड़े और शोरगुल में लालटेन के प्रकाश में
माता जी को पहचान लिया। माता जी ने घोर रात में बावली में स्नान कर पुजारी के साथ मंदिर में जाकर दिव्य तेजोमयी पाषाण प्रतिमा के दर्शन किए। यहाँ माँ काली ने भक्त को अपने दिव्य रूप और भव्य पाषाण रूप दोनों का विशेष दर्शन विशेष परिस्थिति में कराया। माँ की कृपा कब किस पर किस रूप में प्रकट हो कौन जानता है। ऐसी शक्ति रूपिणी कृपामयी माँ काली के चरणों में कोटिशः प्रणाम।